Good morning, everyone. So we are going to discuss what is high pressure boiler, what are the various features of high pressure boiler, what are the advantages of high pressure boiler, and we will see some common examples of high pressure boilers along with its construction and working. That is Lamond boiler, Loeffler boiler, Velox boiler, Benson boiler. Okay, like we have seen some common example of low pressure boiler in the earlier lecture, like Cocker and Cornish, Lancashire, and Babcock and Wilcox boiler. Okay, so let's start our discussion with the high pressure boiler. So while classifying the boilers on the various bases, we have classified the boilers on the basis of pressure. So as per that classification, those boilers which operates at a pressure higher than 80 bar is said to be a high pressure boiler. Okay, high pressure boilers are widely used for power generation in thermal power plants. Means जो लो प्रेशर बॉयलर रहते हैं उनको हाई लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे स्टीम को जनरेट करते हैं, तो वो जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता हमारे पावर जनरेशन के लिए, तो उसको हम प्रोसेस इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर यूज़ करते हैं लो प्रेशर बॉयलर से जो स्टीम जनरेट हो रही है. ठीक है, और हाई प्रेशर बॉयलर से जो स्टीम जनरेट होती है वो नॉर्मली हम कहाँ प्रेफर करते हैं, एट फॉर पावर जनरेशन. ओके, बिकॉज इट इज़ डिजायरेबल डेट स्टीम एंटरिंग द टर्बाइन शुड बी एट हाई प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर. ओके, सो what is actually the advantage of using the high pressure steam inside the turbine, or what is the advantages of producing steam at higher pressure. theek hai, to actually higher pressure steam ko use karne ka fayda ye hai ki humko jo heat jo lagti hai usko steam ko water ko steam mein convert karne ke liye wo kam hote jati hai. kaun si heat? latent heat of vaporization. theek hai, jaise yahan par hai pressure ki limit dekhne, yahan pe p1 p2 p3 p4 ठीक है, यहाँ से P2, P3, P4 देखिए, अगर हम ऊपर सॉलिड और वेपर रीजन वाले को छोड़ दें, नीचे वाले पोर्शन को जो लिक्विड वेपर रीजन जो है हमारा डोम के नीचे वाला पार्ट, P2, P3, P4, यहाँ से हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. P2 ये जो कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन है, डॉटेड लाइन जो है, तो एक P2 की लाइन है, ये P3 की लाइन है, एक P4 की लाइन है. ठीक है, नॉर्मली जो सैचुरेटेड लिक्विड का जो हीटिंग होती है, मतलब लिक्विड टू वेपर फेज में कन्वर्जन होने से पहले जो प्योर लिक्विड जो हीट होता है, सिंपली जो भी प्रेशर रहेगा तो उस पर सैचुरेटेड टेम्परेचर तक वो हीट होगा पहले. ठीक है, फिर सैचुरेटेड टेम्परेचर पर पहुंच गया तो उसके बाद उसका फेज चेंज होना स्टार्ट होता है. वो जो चीज़ें रहती है जो हम सेंसिबल हीटिंग ऑफ लिक्विड वाला पार्ट जो रहता है, वो हम ज़्यादातर इकोनोमाइजर में ही अचीव करने की कोशिश कर लेते हैं. ठीक है, इकोनोमाइजर को बाई यूजिंग बाई यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ द वेस्ट बाई द यूटिलाइजिंग द वेस्ट हीट ऑफ द फ्ल्यू गैसेस इन द इकोनोमाइजर वी रेज द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर. ओके, विच इज एंटरिंग द बॉयलर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेज हमको पहले ही अचीव हो जाते हैं बिफोर एंटरिंग द बॉयलर एक्चुअली. अब सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में आ गए स्टीम वाटर, अब उसको करना है हमको कन्वर्ट स्टीम में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर उसको लेटेंट हीट एक्सेप्ट करेगा वो, और फेस चेंज होगा उसका. अभी फेज चेंज होने के लिए जितनी एनर्जी हमको प्रेशर P2 पे लग रही है उससे कम एनर्जी P3 पे लगेगी, और P4 पॉइंट जब आएगा क्रिटिकल पॉइंट, तो वहाँ पर एनर्जी ही नहीं लगेगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, डायरेक्टली द वाटर विल फ्लैश इनटू स्टीम विदाउट एनी फेस चेंज. ओके, मतलब पूरी प्रोसेस नहीं होगी, डायरेक्टली इमीडिएटली वहाँ पे हो जाएगा, सडनली हो जाएगा वहाँ पे ऐसा कन्वर्जन. तो जैसे जैसे प्रेशर हम बढ़ाते जाते ऊपर कम करते जाते, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला जो पॉइंट है, यानी ये जो लाइन दिख रही है B2C, ये जो लाइन है, हर एक प्रेशर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते आएंगे B2C लाइन जो है छोटी छोटी होती जाएगी. तो ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, amount of latent heat to be supplied to the water in order to convert it completely into saturated vapor state. Okay, so this is actually the advantages of high pressure boiler. So I have written the same point here. If the feed water pressure increases, the saturation temperature of water rises and latent heat of vaporization decreases. Feed water can be heated to saturation temperature in the economizer with the help of waste heat recovery from the exhaust gases escaping to the chimney. Then a boiler supplies only the latent heat of vaporization and superheat. Obviously, boiler को दो चीज़ supply करना पड़ेगा, latent heat of vaporization के अलावा भी superheat, क्योंकि हम normally superheated steam use करते हैं, saturated steam use नहीं करते turbine. Thus a boiler operating at high pressure will require less addition for steam generation. ठीक है, क्यों? क्योंकि normal case में low pressure boiler में दो चीज़ें ही supply करना पड़ेगा, कौन कौन सी, latent heat of vaporization और superheat. और अगर हम high pressure use करें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम हो सकता है, उसको कम सप्लाई करना पड़ेगा, सुपर हीट तो देना ही पड़ेगा उसको, तो वो तो अभी भी देना ही है हीट को बॉयलर, पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला पार्ट जो है वो कम हो जाएगा. और अगर
अगर हम सुपर क्रिटिकल बॉयलर लेते हैं तो वो तो डायरेक्टली जीरो ही हो जाएगा वो पार्ट, कम ही ना सिर्फ कम होगा बल्कि जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। और या फिर सब क्रिटिकल बॉयलर लेते हैं तो जीरो नहीं होगा बट वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको एडवांटेज क्या मिलता है हाई प्रेशर पर ऑपरेट करने से, लेस हीट एडिशन फॉर स्टीम जनरेशन हमारा रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हाई बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर्स? फोर सर्कुलेशन ऑफ वाटर, ये क्या सर क्या इसकी फीचर है? फोर्स्ड सर्कुलेशन। इतने हाई प्रेशर में बॉयलर चाहिए, स्टीम जनरेशन रेट हमको ज़्यादा मिलना चाहिए इसको, इसमें यूज करते हैं इसको पावर जनरेशन के लिए। तो जब इफेक्टिवली हीट ट्रांसफर कराना है बिटवीन बिटवीन फ्लू गैसेज एंड एयर, और सॉरी फ्लू गैसेज एंड वाटर, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स सर्कुलेशन, वाटर का फोर्स सर्कुलेशन कराना पड़ेगा। नेचुरल कन्वेक्शन से उतना इफेक्टिवली वाटर मिक्स वगैरह नहीं होगा या प्रॉपरली इसका मूवमेंट नहीं होगा, तो उतने इफेक्टिवली हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और स्टीम जनरेशन रेट वुड बी लो। सो डेट्स वाई इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हीट जनरेशन रेट वी हैव टू सर्कुलेट द वाटर फोर्सफुली बाई यूजिंग सम पम्प, ओके। एंड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स, ओके। इसमें क्या है, वाटर ट्यूब हाई प्रेशर बॉयलर्स आर नॉर्मली वाटर ट्यूब बॉयलर्स, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर एरिया और इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टीम जनरेशन रेट वी हैव टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर एरिया। अब हीट ट्रांसफर एरिया किस तरीके से बढ़ाएंगे कि हमारा एरिया भी ज़्यादा रहे और मटेरियल भी ज़्यादा ना लगे, ठीक है। मतलब हमारा बेसिकली वॉल्यूम टू सॉरी सरफेस टू वॉल्यूम एरिया ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब वॉल्यूम क्या चीज़ बता रहा है कि मटेरियल कितना लग रहा है वो, और सरफेस एरिया क्या बता रहा है कि हीट ट्रांसफर एरिया कितना है जो कॉन्टेक्ट में आएगा। तो हीट एक्सचेंजर का अच्छे परफॉर्मेंस के लिए उसका एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हीट ट्रांसफर के लिए एरिया इंपॉर्टेंट रहता है हमारा। कहीं पर भी हम बात करें कन्वेक्शन की, रेडिएशन की या कन्वेक्शन की, एवरीवेयर एरिया इज सिग्निफिकेंस नॉट दी वॉल्यूम। बट वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस है मटेरियल कितना लग रहा है ट्यूब को मैन्युफैक्चर करने में, वो एक तरीके से वॉल्यूम बताता है। बेसिकली हमको इस तरीके से ट्यूब्स का सिलेक्शन करना है कि एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा रहे, ठीक है। तो ऐसा कब मिलता है, जब हम लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स लें, ठीक है। अगर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज डायमीटर ट्यूब्स लेंगे तो क्या होगा, एरिया टू वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इनका साथ साथ में बढ़ जाएगा, तो एरिया टू वॉल्यूम रेशियो उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। इस वजह से हम एक बड़ा पाइप ज़्यादा डायमीटर का ना लेते हुए छोटे 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 पाइप, छोटे छोटे डायमीटर के काफ़ी सारे पाइप्स हम प्रेफर करते हैं, तो इससे हमको ज़्यादा इफेक्टिव हीट ट्रांसफर मिलता है, ठीक है। देन वी हैव हाई स्टीम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का क्या रीज़न है कंसीडर हाई प्रेशर बॉयलर्स को जनरेट करने का? उसका रीज़न ये है कि ये तो कि वो जो टर्बाइन में जितना हाई प्रेशर जितना हाई टेम्परेचर रहेगा और प्रेशर रहेगा तो उसके हिसाब से एंथैल्पी एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन रहेगा, किसका, स्टीम का। और फिर वो जो एक्सपांशन के बाद उतना ही ज़्यादा H1 - H2 की वैल्यू उतनी ज़्यादा मिलेगी, उतना ज़्यादा वर्क आउटपुट मिलेगा। इस वजह से हम इसको पहले ना सिर्फ हाई प्रेशर पे स्टीम को जनरेट करते हैं बट वो प्रेशर को जनरेट करने के बाद फर्दर सुपर हीट भी करते हैं एट हाई टेम्परेचर इन ऑर्डर टू अचीव हायर एंथैल्पी एट द इनलेट ऑफ द स्टीम टर्बाइन। एंड वी हैव इम्प्रूव्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, फोर्स सर्कुलेशन होने की वजह से, और बाकी इसमें हम इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते ताकि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमारे बढ़ जाए। यहाँ पे मेजरली जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है यहाँ पे वो रेडिएशन मोड से होता है, ठीक है। फर्नेस के पास हम फर्नेस के करीब हम पाइप्स रख देते हैं जो कि सर्टेन बहुत करीबी डिस्टेंस में रहते हैं, वहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ हीट ट्रांसफर होता है डेट इज ड्यू टू बाय मोड ऑफ रेडिएशन, ठीक है। बिकॉज अब वहाँ पे कंडक्शन कन्वेक्शन भी होगा बट रेडिएशन इज नोन एज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। द रीजन इज द फर्नेस और वाटर के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है और रेडिएशन हीट ट्रांसफर जो होता है वो टेम्परेचर टू दी पावर 4 के डिफरेंस से होता है, प्रोपोर्शनल रहता है, जबकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में टेम्परेचर डिफरेंस रहता है सिंपली। HA ΔT कन्वेक्शन -KA dT/dx, dT मतलब टेम्परेचर डिफरेंस सिंपल है, बट उसमें कैसा रहता है रेडिएशन में, σA εT1⁴ -T2⁴, ठीक है। तो रेडिएशन में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसके क्या बोलते हैं नॉर्मली जो अपना कौन सा बॉयलर रहता है, ये लो प्रेशर बॉयलर रहता है, तो उसमें उतना इम्प्रूव मेथड नहीं रहता हीटिंग का, होता है उसमें भी पर ज़्यादा बेटर इसमें मिलता है, और इसमें कन्वेक्शन भी बढ़ जाता है काफ़ी क्योंकि हमारा फोर्स सर्कुलेशन रहता है वाटर का, या फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फॉर सेम कंडीशंस, ठीक है। तो इस वजह से इसमें इम्प्रूव मेथड ऑफ हीटिंग मिलता है या फिर इम्प्रूव मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर मिलता है, ऐसा बोल सकते हैं। कुछ कुछ केसेज में हम प्रेशराइज कम्बशन भी करते हैं, प्रेशराइज मीन्स एयर को प्रेशराइज करके अंदर भेजते हैं, तो जिससे उसमें टर्बुलेंस क्रिएट होता है, प्रॉपर मिक्सिंग होती है इसके अंदर कम्बशन चैम्बर के अंदर, और हमारी बर्निंग एफिशिएंसी या कम्बशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कॉम्पैक्टनेस मतलब ये स्मॉल साइज के रहते हैं नॉर्मली, फायर ट्यूब बॉयलर के कंपैरिजन में वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर
smaller in size for same power output. For same power output, water tube boilers are normally smaller in size as compared to fire tube boilers. ठीक है, क्योंकि fire tube boilers में हम number of tubes कम रहते हैं और बहुत बड़े बड़े हम pipes वगैरह use करते हैं. ये छोटे छोटे pipes को हम diamond shape में arrange करते हैं, ऐसा zigzag form में, और वो कम जगह में आ जाते हैं. ठीक है, then we have intensive heating. इसमें काफ़ी मतलब क्या इंटेंस हीटिंग होती है. ठीक है, इसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर तक करना है हमको, तो इसमें ज़्यादा हीटिंग करना पड़ता है हमको, बिकॉज हमको ज़्यादा हीट ज़्यादा टेम्परेचर हीट तक करेंगे, फ्लू गैसेस का टेम्परेचर ज़्यादा मिलना चाहिए और वही रिकवरी में काम आना चाहिए बाद में, सब पाइप वाइप को हीट देने के बाद भी, क्योंकि इकोनोमाइजर को भी हमको ऑपरेट करना है इसी फ्लू गैसेस से. ठीक है, तो इसमें इंटेंसिव हीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी. उसके अलावा वंस थ्रू कंस्ट्रक्शन, कुछ कुछ बॉयलर्स इसमें ऐसे रहते हैं हाई प्रेशर, इसमें वंस थ्रू कंस्ट्रक्शन रहता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वंस थ्रू, मतलब एक बार वंस स्टीम एंटर्स द पाइप ऑफ द बॉयलर देन इट विल कम, सॉरी वंस वाटर विल एंटर द पाइप ऑफ द बॉयलर देन इट विल कम आउट एज स्टीम इन द वन फ्लो ओनली. ठीक है, मतलब एक बार में पाइप के अंदर वाटर गया और एक ही दूसरी तरफ से पाइप से वो स्टीम मिल जाता है हमको वंस थ्रू कंस्ट्रक्शन अगर करें तो हम इसका, क्योंकि हम नॉर्मली कहाँ पे रहता है अपना ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर में ऐसा होता है. ठीक है, तो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर. ठीक है, नेक्स्ट थिंग वी हैव इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर. तो बेसिकली जो जो फीचर्स है वही वही सारे एडवांटेजेस रहने वाले. तो हाई प्रेशर बॉयलर यूज द फोर सर्कुलेशन ऑफ वाटर विच इंश्योर्स द पॉजिटिव सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड इंक्रीज इवेपोरेटिव कैपेसिटी. इवेपोरेटिव कैपेसिटी मीन्स इवेपोरेशन, किसको बोलते हैं, लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन होने में, मतलब स्टीम जनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू फोर सर्कुलेशन ऑफ वाटर. दे रिक्वायर लेस हीट फॉर वेपोराइजेशन. ठीक है, क्यों उसको मैंने बता दिया, बिकॉज हाई प्रेशर में हमको हीट जो है वो कम लगती है. दे आर कॉम्पैक्ट एंड रिक्वायर लेस फ्लोर स्पेस. ओके, ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर टेंडेंसी ऑफ स्केल फॉर्मेशन इज मिनिमाइज. ठीक है, अब यहाँ पर हम वाटर को फोर सर्कुलेशन करा रहे हैं, नेचुरल कन्वेक्शन नहीं हो रहा. नेचुरल कन्वेक्शन होता है तो वाटर की वाटर ड्यू टू नेचुरल डेंसिटी डिफरेंस जो फ्लो होता है वो डेट इन डेट केस वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इज लो. तो इन डेट केस टेंडेंसी ऑफ स्केल फॉर्मेशन इज इंक्रीज, बट विद द हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर द टेंडेंसी ऑफ स्केल फॉर्मेशन इज मिनिमाइज. हाउ, बिकॉज जो नॉर्मली स्केल्स वगैरह फॉर्म होते हैं वाटर में, सो जो इम्प्योरिटीज या सॉल्ट डिपॉजिट रहते हैं वो हाई टेम्परेचर में सॉल्ट जो है बाहर निकल जाते हैं पानी के और वो डिपॉजिट हो जाते हैं सर्फेसिस में और वहाँ पर स्केल फॉर्म कर लेते. ठीक है, नॉर्मली ऐसा कब होता है, जब हम ज़्यादा देर तक पानी को उस सरफेस के कांटेक्ट में रखें और उसके बाद ऐसा होता है. ठीक है, जैसे ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में रखने के बाद. ठीक है, अगर हम तुरंत स्केल फॉर्म हुए तुरंत के तुरंत उसको वहाँ से किसी तरह से हटा दें हम, तो वहाँ पर फॉर्म नहीं होता. अब यहाँ पर हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर रहता है तो स्केल जो इसके क्या बोलते हैं सॉल्ट जो है बाहर निकलते भी है, डिपॉजिट भी होते हैं, बट वेलोसिटी के हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर होने की वजह से उसके बहाव के वजह से फ्लो होने की वजह से वो बह जाते हैं पाइप में, ज़्यादा ठहरते नहीं यहाँ पे. तो ऑल दो वहाँ पर भी बनता है थोड़ा बहुत ड्यू टू बाउंड्री, क्या बोलते हैं बाउंड्री लेयर इफेक्ट, सम स्केल इज फॉर्म, बट स्टिल दैट इफेक्ट इज मिनिमाइज इन केस ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग बिकॉज ऑफ फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर. ठीक है, एंड ऑल पार्ट्स आर यूनिफॉर्मली हीटेड एंड डेंजर ऑफ ओवर हीटिंग इज मिनिमाइज. ठीक है, यहाँ पे सभी पार्ट्स लगभग यूनिफॉर्मली इसको हीट करते हैं सभी जगह, कहीं इकोनोमाइजर, कहीं सुपर हीटर, कहीं इवेपोरेटर, ये सब चीज़ें रहते हैं तो ऑलमोस्ट सब जगह नॉर्मल यूनिफॉर्म टेम्परेचर ही रहता है और ओवर हीटिंग के भी इसमें चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम काफ़ी सारे पार्ट्स है हाई टेम्परेचर तक बाकी पार्ट्स को हीट कर रहे हैं, हीट यूटिलाइज कर रहे हैं फ्लू गैसेस से, तो जो सर्फेसिस है बॉयलर के उसको ज़्यादा हीट नहीं हो पाता, वो ज़्यादा ओवर हीटिंग नहीं हो पाता, क्योंकि बिकॉज हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट किसको दे देते हैं, स्टीम ही कैरी कर ले रहा है, तो सर्फेस उसके ओवर हीटिंग के चांसेस थोड़े कम रहते हैं इसमें, किसमें हाई प्रेशर बॉयलर. स्टीम कैन बी रेज क्विकली टू मीट द वेरिएबल लोड रिक्वायरमेंट विदाउट द यूज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल डिवाइस. ठीक है, मतलब स्टीम की जो कौके है क्या बोलते हैं क्वांटिटीज है या जनरेशन रेट है वो हम एज पर द वेरिएबल लोड रिक्वायरमेंट. वेरिएबल लोड रिक्वायरमेंट मीन्स लोड हमारा कितना है, यानी हमको कितना पावर चाहिए, तो उसके हिसाब से हम स्टीम के जनरेशन रेट को डिसाइड करेंगे. तो हम इजिली कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल डिवाइस. हाउ वी कैन इजिली कंट्रोल, बिकॉज हेयर वी आर यूजिंग फोर सर्कुलेशन एंड इट इज वाटर ट्यूब बॉयलर. वाटर के फ्लो रेट को कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है एज कम्पेयर टू फ्लू गैसेस. यहाँ पे वाटर को हम सिंपली वॉल्स के अरेंजमेंट के थ्रू इजिली कंट्रोल कर सकते हैं वाटर फीड वाटर के रेट को. तो फीड वाटर के रेट को कंट्रोल करेंगे तो अल्टीमेटली स्टीम जनरेशन रेट कंट्रोल हो जाएगा. इट इज़ अ इजी प्रोसेस इन केस ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर्स. एंड प्लांट एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड.
ठीक है, अब सभी तरह इकोनोमाइजर से हीट यूटिलाइज कर रहे हैं, तो जो फ्यूल लग रहा है वो बच रहा है हमारा, तो यहाँ पे इस तरीके से एफिशिएंसी प्लांट की बढ़ जाती है। एंड विद द यूज ऑफ हाई प्रेशर द स्टीम जनरेशन इज इकोनॉमिकल। ठीक है, क्यों इकोनॉमिकल है वो भी बता दिया, स्टिल फ्यूल कम लगता है इसमें, क्योंकि दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। सो फर्स्ट वन आई हैव टेकन इज लेमन बॉयलर। ओके, अब यहाँ पर सबको डायग्राम दिख रहा होगा, आप लोग चाहे तो उसमें मीटिंग में फोन में होंगे तो जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मोबाइल स्क्रीन में, यहाँ पे सब चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक पार्ट्स और किस तरीके से वर्किंग होता है। ठीक है, ये लेमन बॉयलर है, दिस इज वर्टिकल ट्यूब। एज यू कैन सी, वी कैन सी वर्टिकल ट्यूब फोर्स सर्कुलेशन वाटर ट्यूब हाई प्रेशर बॉयलर। ठीक है, वर्टिकल क्यों, इसका जो इससे ऐसा ड्रम नहीं, इसका ड्रम जैसे जो दिख रहा है जहाँ पर सारी चीज़ें वो वर्टिकल है। ठीक है, नॉर्मली पे जो इसको हम लिए वर्ड यूज़ करते हैं जो लो प्रेशर बॉयलर में, वो ड्रम बॉयलर ड्रम के ओरिएंटेशन के हिसाब से करते हैं। तो एक्चुअली हाई प्रेशर बॉयलर में ऐसा कोई पर्टिकुलर बॉयलर ड्रम रहता नहीं, यहाँ पे स्टीम सेपरेटिंग ड्रम साइड में है, तो ये जो है वो ड्रम नहीं, ऐसा एक दिख रहा है हमको कि ये ड्रम जैसे है, पर एक्चुअली क्या है, ड्रम नहीं है। क्या है, फ्लू गैसेस को फ्लो होने के लिए एक पाथ है खाली, नीचे यहाँ पे फर्नेस रहता है। ठीक है, तो इसको वर्टिकल एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए, और तो इसको वर्टिकल नहीं बोलेंगे हम, एक काम क्या करेंगे, इट इज नथिंग बट फोर्स सर्कुलेशन। फोर्स सर्कुलेशन क्यों, क्योंकि यहाँ फीड पंप यूज हो रहा है पानी को फ्लो करवाने के लिए, फीड पंप यूज हो रहा है तो फोर्स सर्कुलेशन। देन वी हैव वाटर ट्यूब बॉयलर्स बिकॉज ट्यूब से वाटर फ्लो हो रहा है, एंड हाई प्रेशर बॉयलर बिकॉज प्रेशर ऑपरेटिंग स्टीम विच वी आर गेटिंग इज एट द प्रेशर ग्रेटर देन 80 बार। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो रेड वाला एक चैम्बर जैसे दिख रहा है पूरा, दिस इज इसके बॉटम साइड में क्या रहता है, कम्बशन चैम्बर। ठीक है, ये जो लाल वाले जो सरफेस दिख रहा है सबसे बॉटम में रहता है यहाँ पे कम्बशन चैम्बर, जहाँ पे फ्यूल को बर्न करते हैं और हीट मिलती है। ठीक है, देखिए बीच में ऐसी येल्लो सी एक लाइन दिख रही है बीच में, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन जैसे, वो क्या बता रहा है, एक्चुअली यहाँ से बॉटम में कम्बशन चैम्बर है, तो यहाँ से फ्लू गैसेज ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, तो वो फ्लू गैस ऊपर डायरेक्शन में जब जा रही है नीचे से ऊपर, तो क्या हो रहा है, वो अपनी हीट जो जो भी पाइप्स वगैरह आएंगे उनको अपनी हीट देते हुए जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम पहले कि यहाँ पे वो क्या बोलते हैं अपना पाथ कैसा है सबका। ठीक है, तो अब ये सबसे ऊपर देखो क्या है, कोल्ड एयर, कोल्ड एयर है, उसको ब्लोअर से अंदर पुट किए एयर प्रीहीटर में, सॉरी, या पहले वाटर का पाथ देख लेते हैं, एयर में बाद में आएंगे, और वाटर फिर फ्लू गैस फिर एयर का। ठीक है, अब वाटर फ्रॉम हॉट वेल। ठीक है, तो ये पानी को यहाँ से फीड पंप के थ्रू हम फ्लो कराएंगे पहले इकोनोमाइजर से। ठीक है, अब इकोनोमाइजर का काम क्या है, इकोनोमाइजर का काम है जो फ्लू गैसेस है उसकी हीट को यूटिलाइज करते हुए करके सेचुरेटेड टेम्परेचर तक हीट हो जाना, पानी को हीट करना। ठीक है, अब क्या होगा, पानी जो हीट हो रहा है, पानी जो पंप से एंटर हो रहा है वो इकोनोमाइजर में फ्लू गैसेस से हीट लेगा, कैसे, बाहर से, वो तो पानी तो वो ट्यूब के अंदर से फ्लो हो रहा है, और बाहर से फ्लू गैसेस जो फ्लो हो रही है वो अपना टेम्परेचर बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ठीक है, जैसे हीट एक्सचेंजर में होता है, बाहर के सर्फेसिस में कन्वेक्शन और थ्रू द सर्फेस कंडक्शन, तो बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन वो हीट कहाँ ट्रांसफर करेगा, इकोनोमाइजर में। यहाँ से कंटिन्यूअसली फ्लू गैस यहाँ से नीचे बर्न हो रही है वो फ्यूल, और फ्लू गैसेज कंटिन्यूस फ्लो हो रही है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, अब पानी जो है कहाँ से, इकोनोमाइजर से थोड़ा बहुत हीट हुआ और आया इधर स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में आ जाएगा। ठीक है, अब स्टीम जनरेटिंग ड्रम में क्या होगा, पहले से कुछ क्वांटिटी में थोड़ी सी स्टीम वगैरह रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे स्टीम सेपरेटिंग ड्रम है, तो इसका स्टीम सेपरेटिंग ड्रम का क्या काम है कि यहाँ पे अगर कुछ स्टीम है और वाटर है तो उसको सेपरेट करना, क्योंकि यहाँ पे स्टीम कहाँ से आता है, एक्चुअली यहाँ नीचे से आता है। ठीक है, सर्कुलेटिंग पंप से। अभी देखो ये कंटिन्यूस प्रोसेस को ऑब्जर्व करो, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस को, या फिर ऐसा एज्यूम करो चलो कि पहले अगर प्रोसेस है तो यहाँ से पानी एंटर हुआ इकोनोमाइजर से, वो क्या है, लिक्विड स्टेट में, तभी तो स्टीम है, नहीं तो सेपरेट करने का सवाल नहीं, एकदम एट द इनिशियल स्टेट जस्ट स्टार्ट किए बॉयलर को मान लो। ठीक है, अब जस्ट स्टार्ट किए तो यहाँ पर तो पूरा पानी है अभी, ठीक है, स्टीम तो कुछ है नहीं, तो जो पूरा का पूरा पानी है वो कहाँ से फ्लो होगा, नीचे से, तक पहले नीचे आ जाएगा सर्कुलेटिंग पंप में। ठीक है, अब सर्कुलेटिंग पंप में आने के बाद क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग हेडर है, वहाँ से ये रेडियंट इवेपोरेटर में जाएगा। रेडियंट इवेपोरेटर मीन्स वो इवेपोरेटर जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ हीट ट्रांसफर मोड है, क्या है, रेडिएशन है, जो कि कंबशन चैम्बर के सबसे करीब रहता है। दिस इज द पार्ट वेयर द वाटर एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस ड्यू टू रेडिएशन। ठीक है, सर्कुलेटिंग पंप से जो पानी है, पहले सेपरेट स्टीम सेपरेटिंग ड्रम से जो पानी रहेगा वो इधर आएगा,
और जो स्टीम रहेगा वो इधर इवेपोरेटर में जाता है, कन्वेक्टिव इवेपोरेटर में, ठीक है। इस तरीके से होता है इसका मोशन, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो, यहाँ से पानी पानी जो है नीचे आएगा, मान लो इकोनोमाइजर से पानी आया और ये वापस स्टीम सेपरेटिंग ड्रम से नीचे सर्कुलेटिंग पंप में आएगा, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर हेड में जाएगा, फिर रेडिएंट इवेपोरेटर में हीट लेगा, स्टीम में कन्वर्ट यहीं पर हो जाएगा मैक्सिमम, और थोड़ा बहुत जो बच गया वो वापस से कन्वेक्टिव इवेपोरेटर में जाकर वापस से कहाँ जाएगा, ये स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में, ठीक है। अब इकोनोमाइजर से यहाँ पे कंटिन्यूसली पानी आ रहा है और जो रेडिएंट और कन्वेक्टिव इवेपोरेटर से पानी जो गुजर रहा है वो स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में स्टीम और पानी दोनों मिक्स हो जा रहे हैं। स्टीम सेपरेटिंग ड्रम का काम क्या है, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस इट सेपरेट्स वाटर फ्रॉम द स्टीम, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टीम कम डेंसिटी होने की वजह से ऊपर के पोर्शन में ही रहेगा, जैसे कि हम देखे थे लो प्रेशर बॉयलर्स में भी, और ये पानी जो है नीचे रहेगा। तो नीचे जो पानी का है तो वहाँ पे हम एक वॉल्व प्रोवाइड करेंगे ताकि पानी नीचे से वापस से इधर सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू रेडिएंट इवेपोरेटर और कन्वेक्टिव इवेपोरेटर में जाए और हीट ले फ्लू गैसेस से और स्टीम में कन्वर्ट हो। और जो चीज़ स्टीम में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है उसको हम कहाँ भेजेंगे, सुपर हीटर में, ठीक है। स्टीम सेपरेटिंग ड्रम सुपर हीटेड में क्या होगा, जो स्टीम ऑलरेडी वेपर स्टेट पे उसको हम फर्दर टेम्परेचर हीट कर उसको फर्दर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ द फ्ल्यू गैसेज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से रेड वाली जो लाइन दिख रही है, सुपर हीटर में हीट होके फाइनली स्टीम जो है बाहर चल जाएगी। क्या लिखा है, सुपर हीटेड स्टीम टू द प्राइम मूवर, मतलब टर्बाइन में हम उसको स्टीम को भेज देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पानी का मोशन रहेगा यहाँ पर, पहले फीड वाटर पंप से इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर से स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में, स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में अगर लिक्विड प्लस वेपर दोनों है तो लिक्विड जो है नीचे सर्कुलेटिंग पंप में जाएगा और वहां से फिर रेडिएंट इवेपोरेटर और कन्वेक्टिव इवेपोरेटर के थ्रू स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो स्टीम ऑलरेडी कन्वर्टेड हो चुकी है वो डायरेक्टली सुपर हीटर में भेजेंगे और वहां से फिर टर्बाइन में चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से किसका मोशन रहेगा, वाटर का। अब हम फ्ल्यू गैसेस का मोशन करते हैं देखेंगे। तो फ्ल्यू गैसेस का मोशन तो सिंपल है, बॉटम में फ्ल्यू फर्नेस में, बॉटम में फर्नेस है जो कि अभी डायग्राम में नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जगह नहीं है दिखाने के लिए, यहाँ पर कंबशन चैम्बर खाली डायग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है। यहीं पे बॉटम पार्ट में फर्नेस है जिसको हम फ्यूल को बर्न करेंगे, तो फ्यू गैसेस हाई टेम्परेचर पे फ्लो होगी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और अपना फ्ल्यू गैसेस ऊपर फ्लो होते होते रेडिएंट इवेपोरेटर, कन्वेक्टिव इवेपोरेटर, सुपर हीटर और इकोनोमाइजर इन सारी चीज़ों को हीट देते हुए जाएगी और फाइनली हीट किसको देगी, एयर प्री हीटर को। एयर प्री हीटर का काम क्या है, जो इनलेट एयर आ रही है किसमें, फर्नेस में, वो उसको थोड़ा सा हीट करके दे ताकि हमारा क्या बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर जल्दी अचीव हो जाए, किसका, फ्यूल का, ठीक है। तो कोल्ड एयर या ब्लोअर के थ्रू फ्लो करेंगे इसमें एयर प्रीटर से, तो एयर प्रीटर में एयर जो है सर्टेन हीट हो जाएगी एंड हॉट एयर टू द कम्बशन चैम्बर। अब यहाँ पर एक्चुअली पाथ शो नहीं किया गया है, कम्बशन चैम्बर नीचे है बॉटम में और एयर प्रीटर कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। तो ये जो पोजिशन रहती है ना नॉर्मली किसकी, रेडिएंट इवेपोरेटर, कन्वेक्टिव इवेपोरेटर, सुपर हीटर, ये किस हिसाब से डिसाइड होती है, जहां पर हमको ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर करना है, जो पोर्शन में मैक्सिमम अमाउंट में हमको हीट देना है वो पोर्शन को फर्नेस से करीब रखेंगे सबसे ज्यादा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कहाँ यूज होती है, हमारे मैक्सिमम अमाउंट लगती है हीट करने के लिए यहाँ पर रेडिएंट इवेपोरेटर, कन्वेक्टिव, जब लिक्विड टू वेपर में एक्चुअल कन्वर्ट होता है, तो इसलिए वो रेडिएंट इवेपोरेटर को नीचे रखते हैं, फिर कन्वेक्टिव, फिर सुपर हीटर, फिर इकोनोमाइजर, फिर एयर हीटर में एयर को हीट करने के लिए कम हीट सप्लाई करना पड़ता है। तो इस हिसाब से उसका पोजीशन रहता है, फाइनली एग्जॉस्ट गैस जो है बाहर निकल जाएगी चिमनी के थ्रू, ठीक है। या तो चिमनी के थ्रू निकल जाएगी या फिर उसी को हम वापस से इकोनोमाइजर में भी उसका सर्टेन पाथ हम यूज कर सकते हैं। अब वो चीज़ यहाँ पर शो नहीं किया गया, बट इकोनोमाइजर की हीट कहाँ से मिलती है उसको, चिमनी से जो फ्ल्यू गैसेस फ्लो हो रही है वहीं से, ये जो यहाँ से होते हुए जा रही है जो, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली ये तो ले लिया हीट, तो चिमनी में ही जाएगी, एग्जॉस्ट गैसेस मतलब चिमनी के थ्रू बाहर चल जाएगी, ओके। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर, दैट इज लेमन बॉयलर। एंड वॉट आर इट्स फीचर्स, इट इज हाई प्रेशर वाटर ट्यूब फोर सर्कुलेशन बॉयलर, ठीक है। देखो यहाँ पर वर्टिकल ट्यूब वगैरह नहीं लिखा है क्योंकि ट्यूब तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो वाटर सर्कुलेशन इज मेंटेन बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। फोर सर्कुलेशन है तो पानी का सेंट्रीफ्यूगल पंप से मोशन रखें इसका। स्टीम जनरेशन रेट इज इक्वल टू 50,000 kg/h, देखो कितना हाई स्टीम जनरेशन रेट इसमें मिल सकता है ड्यू टू फोर सर्कुलेशन ऑफ वाटर एट प्रेशर 130 bar एंड टेम्परेचर 500°C। एडवांटेजेस, विद द यूज ऑफ स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स द हाई हीट ट्रांसफर इज मेंटेन, ओके। इसका मैंने रीजन बता दिया, एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता है। तो मल्टीपल ट्यूब सर्किट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर सुटेबल लोकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट्स, ठीक है। ये मल्टीपल ट्यूब सर्किट मतलब रेडिएंट इवेपोरेटर है, कन्वेक्टिव इवेपोरेटर है, इकोनोमाइजर है, सुपर हीटर है, ये काफ़ी सारे ट्यूब्स हैं यहाँ पर, तो उनके लोकेशन को हम चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट,
ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा हीट लग रही है, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है यहाँ पर हमारी, सुटेबल लोकेशन हम चूज कर सकते हैं उसका। नाउ विथ फोर सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू रट्यूस हाई इवेपोरेशन रेट इज अचीव्ड। ठीक है, और फोर सर्कुलेशन होने की वजह से हाई हीट ट्रांसफर रेट होता है, हाई हाई रेट से हीट एक्सचेंज होता है बिटवीन फ्लू गैसेज एंड वाटर, वही एज कम्पेयर टू नेचुरल कन्वेक्शन। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड फीचर्स ऑफ लेमन बॉयलर। नेक्स्ट वी हैव इज लोएफलर बॉयलर। ठीक है, अब ये लोएफलर बॉयलर का काम क्या है, देखो इसका थोड़ा सा अलग टाइप का बॉयलर है जिसमें स्टीम को ही यूज करते हैं हम कन्वर्ट करने में। मेजरली जो स्टीम, जो लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन के लिए हम स्टीम यूज करते हैं। कैसे, देखो अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, पहले यहाँ पर नीचे जो पोर्शन दिख रहा है स्टोकर करके, तो यहाँ पर एक कम्बशन चैम्बर रहता है, यहाँ पे फ्यूल को बर्न करते हैं। ठीक है, और कम्बशन चैम्बर के आसपास में क्या रहता है, रेडिएंट सुपर हीटर। ठीक है, तो रेडिएंट सुपर हीटर हमेशा कम्बशन चैम्बर के आसपास क्यों रहता है, बिकॉज वहाँ पे हमको रेडिएंट इज द रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। और हम जैसे ठंड के दिनों में बाहर बैठते हैं ऐसा आग सेकने के लिए, तो हम उसके लिए हमको जो ये क्या बोलते हैं फायर की जो फ्लेम है उसको टच करने की जरूरत नहीं है, फायर की फ्लेम को या दूर से जो एयर आ रही है, हम थोड़े दूर भी बैठे तो हमको उसका उसके जो हीट का एहसास होता है। तो दैट मोड इज नथिंग बट मोड ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और जब हम एयर वहाँ पे कंटिन्यूसली उसके सराउंडिंग में है ही कम्बशन चैम्बर के, और वो एयर कांटेक्ट में रेडिएंट सुपर हीटर के भी आ रही है, तो वहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ हीट ट्रांसफर रहता है दैट इज ड्यू टू रेडिएंट। मतलब जो कम्बशन चैम्बर से जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे हैं वो डायरेक्टली वो सुपर हीटर में स्ट्राइक करेंगे, और रेडिएशन के मोड से भी हीट ट्रांसफर होता है बहुत क्लोज डिस्टेंस होने की वजह से ज्यादा हीट जो है वो जो वेव्स है वो स्ट्राइक किसको करेंगे, रेडिएंट सुपर हीटर को। दैट्स व्हाई रेडिएंट सुपर हीटर इज नॉर्मली प्लेस वेरी नियर टू द कम्बशन चैम्बर। ठीक है, तब यहाँ पे रेडिएंट सुपर हीटर है, तो पहले हम अपन देख लेते हैं पास का मोशन। ठीक है, यहाँ से कम्बशन चैम्बर है, फ्लू गैसेस का मोशन पहले देख लेते हैं। यहाँ से कम्बशन चैम्बर है, प्रोड्यूस होगा ऊपर मूव होगा रेडिएंट सुपर हीटर में, फिर यहाँ से कन्वेक्टिव सुपर हीटर में, फिर एक यहाँ पे ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही है। ठीक है, ऊपर में कन्वेक्टिव सुपर हीटर जहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ा सा अगर उसको रोटेट करके स्क्रीन के देखो देंगे देखेंगे तो दिखेगा। तो ये एक तरीके का प्लेट जैसे है, बेफल प्लेट टाइप का है, ताकि एक पाथ को गाइड करने के लिए इसका। ठीक है, इस तरीके से ताकि सारे के सारा जो फ्लू गैसेज है पहले वर्टिकल डायरेक्शन में कन्वेक्टिव सुपर हीटर से ही पास होना चाहिए, और ये प्लेट हटा रहे तो एकदम से यहाँ पे भी ये डायरेक्शन में ही फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो उतना टेम्परेचर उसका उतना इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो पाएगा कन्वेक्टिव सुपर हीटर में, तो यहाँ से इसके पाथ को रेस्ट्रिक्ट करेंगे आप, इस तरीके से उसका पैसेज बनाएंगे कि पूरे का पूरा जो फ्लू गैसेज है वो कन्वेक्टिव सुपर हीटर में कहीं ना कहीं टच करके बाहर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से रेडिएंट सुपर हीटर से फ्लू गैस हीट दे के निकलेगी, फिर कन्वेक्टिव सुपर हीटर में जाएगी, फिर वहां से ऐसा यू टर्न टाइप लेके नीचे से इधर आएगी, फिर इकोनोमाइजर को अपना हीट देते हुए फ्लू गैस फाइनली बाहर चल जाएगा। और यहाँ पर ये जो तीन डंडी दिख रही है ऊपर यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस के नीचे, वो एक्चुअली क्या है, एयर प्री हीटर, जैसे कि लास्ट वाले बॉयलर में था। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं किया गया बट एक्चुअली डेट इज एयर प्री हीटर। अब देखो ये हो गया फ्लू गैसेस का मोशन, अब वाटर का मोशन देखो, वाटर को फीड पंप से फ्लो कराएंगे इकोनोमाइजर के थ्रू, इकोनोमाइजर में क्या होगा फ्लू गैसेस की हीट यूटिलाइज करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर जो बढ़ के कहाँ जा रहा है, नीचे जाके इवेपोरेटिंग ड्रम में जाएगा वो। ठीक है, इवेपोरेटिंग ड्रम में यहाँ पे क्या आया, अभी पानी आया है, अभी पानी से हीट हुआ इकोनोमाइजर में, स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, एक तरफ से ही आ गया फीड इन, अब दूसरी तरफ क्या होगा, देखो दूसरी तरफ क्या होगा कि यहाँ पे जो रेडिएंट सुपर हीटर में जो वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हो गया वो काय में जाएगा, कन्वेक्टिव सुपर हीटर में। अगर थोड़ा बहुत उसका डायनस फ्रैक्शन कम है, वेट स्टीम है, तो थोड़ा और कंफर्म करने के लिए कि वो पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट होना चाहिए, तो रेडिएंट सुपर हीटर कन्वेक्टिव सुपर हीटर से इनको पास करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली इसमें अच्छा खासा टेम्परेचर अचीव होता है, इसमें बिना सुपर हीटर के ही नॉर्मली रेडिएंट और कन्वेक्टिव सुपर हीटर एंड रेडिएंट सुपर हीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सुपर हीटर ही डायरेक्टली वर्ड यूज किया है, यहाँ पे इवेपोरेटर वर्ड यूज नहीं किया। क्यों, क्योंकि दोनों के से पास होने के बाद हमको फाइनली सुपर हीटेड स्टीम मिलती है, और ये जो सुपर हीटेड स्टीम मिलती है वो टर्बाइन को भेज देते हैं हम, हाई प्रेशर टर्बाइन, और इसमें से कुछ पार्ट को, जो सुपर हीटेड स्टीम के कुछ पार्ट को हम नीचे लेके आ जाते हैं, ये जो पार्ट दिख रहे हैं नीचे कहाँ आता है, इवेपोरेटिंग ड्रम में। ठीक है, अब इवेपोरेटिंग ड्रम में एक्चुअली होता क्या है, एक तरफ दो चीजें मिक्स करते हैं हम यहाँ पर, एक रहता है हमारे सुपर हीटेड स्टीम और दूसरी तरफ फीड वाटर फ्रॉम द इकोनोमाइजर। अभी दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो एक का स्टेट है लिक्विड स्टेट एट सेचुरेटेड टेम्परेचर, और दूसरा है सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, अब दोनों जब मिक्स हो जाएंगी डायरेक्टली, और सुपर हीटेड स्टीम हम वहाँ पे नोजल के थ्रू स्प्रे करते हैं किसमें, फीड वाटर में, तो फीड वाटर की हीट कौन लेता, सॉरी सुपर हीटेड स्टीम की हीट कौन लेता है, फीड वाटर।
और फीड वाटर क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. अब स्टीम हीट दे रहा है, सुपर हीटेड स्टीम दे रहा है किसको, फीड वाटर को, और फीड वाटर हीट ले रहा है किससे, स्टीम से, सुपर हीटेड स्टीम से. तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और वाटर लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो जो सैचुरेटेड लिक्विड थी वो सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ पर, इवेपोरेटिंग ड्रम में. और जो सुपर हीटेड स्टीम आ रही थी टर्बाइन से, हमने कुछ पोर्शन ले लिए थे टर्बाइन में जाने से पहले, वो नीचे आ गया, तो सुपर हीटेड स्टीम का क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, बट स्टिल इट विल बी एट द वेपर स्टेट. टेम्परेचर ड्रॉप होके वो कहाँ तक आएगा, वो भी सैचुरेटेड वेपर स्टेट तक ही आएगा वो. ठीक है, तो अब सैचुरेटेड वेपर स्टेट तक आ गया तो मतलब हमको बेसिकली आफ्टर मिक्सिंग इन द इवेपोरेटिंग ड्रम हम क्या करेंगे, फीड वाटर और सुपर हीटेड स्टीम मिक्स होकर हमको ड्राई सैचुरेटेड स्टीम देगी. अब वो जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है वो हमको टर्बाइन में यूज करने से पहले उसको सुपर हीट करना है, तो हम उसको फिर भेजेंगे, वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इवेपोरेटिंग ड्रम से ऊपर जाएगी, कहाँ पर, रेडिएंट सुपर हीटर और कन्वेक्टिव सुपर हीटर. दैट्स व्हाई दीज टू हीट एक्सचेंजर इज नेम्ड नेम्ड एज रेडिएंट सुपर हीटर एंड कन्वेक्टिव सुपर हीटर, बिकॉज दोनों का काम क्या है कि स्टीम के टेम्परेचर को बढ़ाना, उसको सुपर हीट करना. ठीक है, ऑलरेडी स्टीम नीचे बन चुका है इवेपोरेटिंग ड्रम में, ठीक है, तो इसलिए उसको नाम दिए सुपर हीटर. पिछले वाले डायग्राम में देखो यार नाम क्या दिए थे, कन्वेक्टिव इवेपोरेटर, रेडिएंट इवेपोरेटर. इवेपोरेटर मतलब वो जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है, पर यहाँ पर लिक्विड टू वेपर नीचे के ड्रम में ऑलरेडी हो चुका है, तो रेडिएंट सुपर हीटर नाम देंगे, क्योंकि वो एक्चुअली लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट नहीं कर रहा, वेपर ऑलरेडी हो चुका है, उसको सिर्फ सुपर हीट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर रेडिएंट सुपर हीटर और कन्वेक्टिव सुपर हीटर रहता है यहाँ पर, इसलिए नाम उसके हिसाब से देते हैं. सभी एक्चुअली हीट एक्सचेंजर ही है, इकोनोमाइजर, एयर हीटर, रेडिएंट सुपर हीटर, कन्वेक्टिव सुपर हीटर, दीज ऑल आर द नथिंग बट हीट एक्सचेंजर्स ओनली, बट डिपेंडिंग अपॉन वॉट फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग एंड वॉट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वी गिव द नेम बट ऑफ द पर्टिकुलर हीट एक्सचेंजर एज रेडिएंट सुपर हीटर और कन्वेक्टिव सुपर हीटर और रेडिएंट इवेपोरेटर और कन्वेक्टिव इवेपोरेटर. ठीक है, तो इस तरीके से. और ये इवेपोरेटिंग ड्रम नीचे नाम दिए क्योंकि इसका काम क्या है, जो फीड वाटर आ रहा है उसको इवेपोरेट करना है, तो उसका नाम इसलिए दिया इवेपोरेटिंग ड्रम. ठीक है, तो इस तरीके से इसमें वाटर का फ्लो होता है, और एयर का तो पता है, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस लेंगे एयर हीटर से, कम्बशन चैम्बर में नीचे भेज सकते हैं अपन. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द लोएफ्लर बॉयलर. ठीक है, तो यहाँ पर स्टीम जो ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है उसी की हीट को यूटिलाइज करते हैं लिक्विड टू वेपर फीड वाटर को कन्वर्ट करने के लिए, और जो फर्नेस की हीट है उसको कहाँ यूटिलाइज करते हैं, इन ऑर्डर टू सुपर हीट द स्टीम. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लो फ्लो बॉयलर, इट इज हाई प्रेशर वाटर ट्यूब फोर सर्कुलेशन बॉयलर, स्टीम जनरेशन रेट इज वेरी हाई अप टू 1 lakh kg पर आवर एट ए प्रेशर ऑफ अराउंड 140 bar. इट यूजेस सुपर हीटेड स्टीम इन द इवेपोरेटर फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम द हीटेड वाटर, थस द ऑपरेशन इज साइलेंट एंड क्लीन. ठीक है, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली मिक्स हो रहे हैं ना स्टीम और वाटर. ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा इम्प्योरिटीज वगैरह रहेंगी नहीं, सुपर हीटेड स्टीम में तो बहुत क्लीन ऑपरेशन रहता है यहाँ पर हमारे केसेस में. और ये ड्रम है यहाँ पर, ऐसा वाटर ट्यूब्स के पाइप्स वगैरह भी नहीं है जहाँ से हम बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो उसके हर एक पाइप में स्केल डिपॉजिट नहीं होगा, तो ज़्यादा क्लीनिंग की झंझट नहीं रहेगी हमारे, तो हमारा बहुत ऑपरेशन काफ़ी क्लीन रहेगा इस केस में. ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वाटर ट्यूब्स नहीं है यहाँ पे, ट्यूब्स हैं कहाँ पर है, पर इवेपोरेटर वगैरह में वो सिंगल ट्यूब है, ऐसे जो मल्टीपल ट्यूब अरेंजमेंट जो हम ऊपर यूज कर रहे थे वो ऐसा नहीं रहेगा ऐसा कुछ यहाँ पर. ठीक है, तो इट इज एबल टू रिस्पॉन्ड रेपिडली टू सडन वेरिएशन ऑफ लोड. ठीक है, इसमें भी सभी जितने भी अपने वाटर ट्यूब बॉयलर है उसमें यही इसका यही एडवांटेज है, सभी में हम वेरिएशन ऑफ लोड आसानी से हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज पानी के रेट को हम, फ्लो रेट को हम इजिली कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द वॉल्स. ठीक है, विद द यूज ऑफ रेडिएंट सुपर हीटर इट मेक्स बेटर हीट रिकवरी फ्रॉम द बॉयलर फर्नेस. ठीक है, रेडिएंट सुपर हीटर क्योंकि बॉयलर फर्नेस के काफ़ी करीब है और वो फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी रहता है रेडिएशन, उसकी वजह से बहुत काफ़ी अच्छी हीट को हम रिकवर कर पाते हैं बॉयलर फर्नेस से. द हाई सर्कुलेशन रेट ऑफ स्टीम ओवर द ट्यूब कॉजेज लो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ट्यूब एंड स्टीम. यहाँ पे फोर सर्कुलेशन है, तो देखो यहाँ पर कितना हाई रेट मिल रहा है स्टीम जनरेशन का, 1 lakh kg पर आवर, तो इतना हाई रेट अचीव करने के लिए हमको थोड़ा लार्ज साइज का पंप यूज करेगा इतना हाई फ्लो रेट के लिए. तो जब हाई फ्लो रेट से हम फ्लो करा रहे हैं किसको, स्टीम को बहुत हाई फ्लो रेट से हम फ्लो करा रहे हैं इन द सुपर हीटर्स, तो क्या होगा, वहाँ पे ट्यूब और स्टीम के बीच में बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है. क्यों, क्योंकि हीट ट्रांसफर रेट जो है काफ़ी हाई हो जाता है वहाँ पे, और इतना हाई वेलोसिटी होने की वजह से अपना कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है यहाँ पे. फोर सर्कुलेशन में रेनॉल्ड नंबर और प्रांड्ल नंबर पर डिपेंड करता है ना हीट ट्रांसफर रेट, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हाई है काफ़ी, तो वहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव हीट ट्रांसफर होने की वजह से
जो ट्यूब्स के थ्रू हीट मिल रही है ना हमको, कहाँ से ट्यूब्स बाहर, फ्लू गैसेस है, फ्लू गैसेस में कांटेक्ट आने का कांटेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बढ़ जाता है ड्यू टू हाई सर्कुलेशन रेट। तो ट्यूब और स्टीम के बीच में नॉर्मली अगर कम कम वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है तो ट्यूब काफी हाई टेम्परेचर पर रहते हैं और स्टीम को उतने इफेक्टिवली हीट ट्रांसफर नहीं दे पाएंगे वो, ठीक है। तो हाई से रेट से बढ़ाएंगे तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बढ़ जाता है, तो फिर ट्यूब और स्टीम के बीच में ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहता, मतलब स्टीम का तो हमेशा कम रहेगा टेम्परेचर ट्यूब के कंपेरिजन में, बट वो जो डिफरेंस रहता है वो काफी कम रहता है ड्यू टू इंक्रीज इन द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट विथ इंक्रीज इन द हाई सर्कुलेशन रेट ऑफ स्टीम ओवर द ट्यूब्स। ओके, एक्चुअली यहाँ स्टीम ओवर द ट्यूब्स नहीं होना चाहिए था, थ्रू द ट्यूब्स होना चाहिए था, स्टीम ओवर द ट्यूब्स स्टीम नहीं रहेगा, फ्लू गैसेज रहेगा, ओवर द ड्रम एक्चुअली गलत सेंटेंस है, हाई सर्कुलेशन ऑफ स्टीम थ्रू द ट्यूब्स होना चाहिए, मैं इसको करेक्ट कर लेता, थ्रू द ट्यूब्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा विथ, नाउ सो नेक्स्ट वी हैव इज वेलॉक्स और सुपर चार्ज बॉयलर। तो इसमें क्या आता है, दिस इज सुपर चार्ज बॉयलर, ठीक है। जैसे सुपर चार्ज इंजन होते हैं आईसी इंजन में, तो उसमें काम क्या करते हैं, एयर को हम कंप्रेस करके हाई डेंसिटी एयर को सप्लाई करते हैं फर्नेस में, ठीक है, ताकि हमारा कम्बशन एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी करते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पर देखो, बाकी सब चीज़ यहीं पे, यहाँ पर कम्बशन चैम्बर दिख नहीं रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन है ना, जो ब्लू वाले जो ट्यूब्स का अरेंजमेंट दिख रहा है, यहाँ कहीं तो कम्बशन चैम्बर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है किसी को भी, पर यहाँ पर रहता है एक्चुअली। अब यहाँ से कम्बशन चैम्बर से देखो, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है फ्लू गैसेस की पाथ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्लू गैसेस यहाँ से ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन के ही पास में कहीं रहता है और यहाँ से फ्लू गैसेस फ्लो के नीचे आ रहे हैं। अब देखो पाथ देखो उसका कैसा रहता है, ठीक है। फ्यूल को यहाँ पे हमने बर्न किया, फ्यूल को बर्न करने के बाद कहाँ जाएगा वो, फ्लू गैसेस जो है ऊपर जाएंगे, कन्वेक्टिव सुपर हीटर को अपनी हीट देते हुए जाती है, फिर वो नीचे आती है फ्लू गैसेस बची हुई, और फिर वो गैस टर्बाइन में जाती है, ठीक है। तब क्या होता है यहाँ पर देखो, फ्लू गैसेस बर्न हो गई एयर में, ऊपर गई, ऊपर जाके कन्वेक्टिव सुपर हीटर को हीट दे दी, अब वो वाटर में बाद में आएंगे, फिर वहां से कन्वेक्टिव सुपर हीटर में हीट देने के बाद जो फ्लू गैसेज है वो गैस टरबाइन को हम भेज देंगे, ठीक है। ये गैस टरबाइन अलग है, हाँ स्टीम टरबाइन एक्चुअली हमें बॉयलर स्टीम टरबाइन के हिसाब से पड़े, तो स्टीम टरबाइन तो है ही यहाँ पे, साथ ही साथ ये गैस टरबाइन भी छोटा सा हम यूज करते हैं इस वेलॉक्स बॉयलर के केस में। तो जो फ्लू गैसेज जो कन्वेक्टिव सुपर हीटर को हीट देने के बाद चिमनी से बाहर चले जाना चाहिए था, या कुछ पार्ट उसका इकोनोमाइजर में यूज करना चाहिए था, तो कहाँ वो फ्लू गैसेस को चिमनी में ना भेजते हुए कहाँ भेज रहे हैं, गैस टरबाइन में, ठीक है। अब वो गैस टरबाइन में क्या करेंगे, जो फ्लू गैसेस को फ्लो कराएंगे तो गैस टरबाइन घूमने लगेगा, पावर जनरेट करेगा, ठीक है, गैस टरबाइन के ब्लेड्स को स्ट्राइक करेगा, वो घूमेगा और पावर जनरेट करेगा, फिर फाइनली जो फ्लू गैसेज गैस टरबाइन के एग्जिट में जो मिल रही है उसको हम पास करेंगे इकोनोमाइजर में से, ताकि जो पानी अंदर आ रहा है बॉयलर के अंदर वो थोड़ा बहुत हीट और फर्दर हीट ले ले फ्लू गैसेस से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा देखो, गैस टरबाइन यहाँ से फ्लू गैसेस से रोटेट हो गया और उसके हमने कपल कर दिया एक्जियल फ्लो कंप्रेसर को। तो एक्जियल फ्लो कंप्रेसर का काम क्या है, जो एयर बाहर से आ रही है एटमोसफेयर से उसको कंप्रेस करके कम्बशन चैम्बर में भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पे गैस टरबाइन को रन करने के लिए एक्जियल फ्लो पावर कौन दे रहा है, सॉरी एक्जियल फ्लो कंप्रेसर को रन करने के लिए पावर दे रहा है गैस टरबाइन, एक्जियल फ्लो कंप्रेसर में एयर आएगी बाहर से एटमोसफेयर से, वो उसको कंप्रेस करके भेजेंगे फर्नेस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्जियल कंप्रेसर से एक पाइप जा रहा है ब्लू कलर का, जो यहाँ ज्वाइन हो रहा है ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन में, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा दिख रहा है कि उस पर आके ज्वाइन हुआ है वो, बट एक्चुअली ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन में नहीं जा रहा है, उसके पीछे फर्नेस है वहां पे जा रहा है एयर, ठीक है। ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन के अंदर से वाटर फ्लो होगा, एयर फ्लो नहीं होगा, तो भले डायग्राम में ऐसा बना हुआ है बट वो एक्चुअली फर्नेस के अंदर जा रही है एयर एक्जियल कंप्रेसर से, ठीक है। अभी एयर चली गई यहाँ पर कंप्रेसर के थ्रू फर्नेस कंबशन चैम्बर में, और फ्यूल के साथ बर्न होकर फ्लू गैसेस प्रोड्यूस करेगी कंटिन्यूसली, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, पानी कहाँ से आ रहा है, ये पाथ हो गया फ्लू गैसेस का, पूरा एक क्लोज पाथ यहाँ से यहाँ तक। अब पानी आ रहा है फीड वाटर पंप से, फीड वाटर पंप पहले इकोनोमाइजर से पानी फ्लो होगा और वो सर्टेन हीट लेगा, किससे, फ्लू गैसेस से, फ्लू गैस जो कि गैस टर्बाइन के एग्जिट से आ रही है वो इकोनोमाइजर के पास से फ्लो होगी, ताकि वो अपनी जाते आते बाहर जाते आते अपनी थोड़ी बहुत हीट जो बची हुई है वो फीड वाटर को दे सके। अब इकोनोमाइजर से फीड वाटर हीट एक्सेप्ट करके कहाँ जाएगा देखो, हॉट वाटर होगा, नीचे देखो लिखा है हॉट वाटर, वो जाएगा स्टीम सेपरेटिंग ड्रम ड्रम में, ठीक है, नहीं पहले वो इवेपरेटिंग सेक्शन में जाएगा, स्टीम सेपरेटिंग ड्रम का रोल बाद में आएगा, सॉरी पहले हॉट वाटर से वो जाएगा ट्यूब इवेपरेटिंग सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर भी एक वाटर सर्कुलेटिंग पंप है, यहाँ से उसको पानी को पानी खींच के पंप ट्यूब इवेपरेटिंग सेक्शन में भेजेगा। अब ट्यूब इवेपरेटिंग सेक्शन के पास क्या, इसका काम क्या है,
फर्नेस के पास है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, इवेपोरेटिंग सेक्शन, इवेपोरेटर है वो, लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट कर दिया वो ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन में. अब वो कन्वर्ट करने के बाद जो हमको स्टीम मिलेगी डेट मे बी सैचुरेटेड स्टेट एंड और मे बी इन द वेट स्टेट. ठीक है, उसका हो सकता है प्योरली सैचुरेटेड ना मिले, कुछ उसमें स्टीम और वाटर वेपर का मिक्सचर मिले, मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन उसका 1 से कम रहे. फिर ये जो जाएगा पानी ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन से जो स्टीम में कन्वर्ट हो गया है वो जाएगा स्टीम सेपरेटिंग सेक्शन में. ठीक है, अब स्टीम सेपरेटिंग सेक्शन का काम क्या है, वो इट इज सेम एज स्टीम सेपरेटिंग ड्रम ओनली. यहाँ पर स्टीम और वाटर ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस कलेक्ट होगा. वाटर जिसकी हाई डेंसिटी हो नीचे जमा होगा और स्टीम जिसकी ऊपर ज्यादा कम डेंसिटी हो ऊपर जमा होगा. तो नीचे से वॉल्व हम एक अरेंजमेंट लगाएंगे वॉल्व का, जिसकी वजह से वो पानी वापस से खाली होकर वाटर सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू ट्यूब इवेपोरेटिंग सेक्शन में जाए और फर्दर हीट ले और प्रॉपर स्टीम में सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो. और जो बचा हुआ स्टीम है जो कि सेपरेट कर ली हमने वाटर, तो सैचुरेटेड स्टीम हो गया, उसमें से मिक्स वाटर वेपर निकालने के बाद उसको भेजेंगे हम कन्वेक्शन सुपर हीटर में. कन्वेक्शन सुपर हीटर मतलब स्टीम ऑलरेडी है हमारे पास सैचुरेटेड स्टेट में, उसको सुपर हीट करना है तो कन्वेक्शन सुपर हीटर में भेजेंगे. तो कन्वेक्शन सुपर हीटर फ्लू गैसेस से हीट को यूटिलाइज करते हुए प्राइम मूवर में टर्बाइन में भेज देगा. ठीक है, इसमें इसके फीचर्स क्या है विलोक्स बॉयलर के, इट इज सब क्रिटिकल बॉयलर. सब क्रिटिकल मीन्स हाई प्रेशर से भले इसका ज्यादा टेम्परेचर, बट जो क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू होती है 221.1 bar समथिंग, तो उससे इसका प्रेशर कम है. इट यूजेस सुपर चार्ज फर्नेस एट 2 to 3 एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो नॉर्मली जो अपने नॉर्मल बॉयलर्स रहते हैं उसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर पे एयर एंटर होता है, बट यहाँ पर हम कंप्रेसर यूज करके उसको प्रेशराइज करके एयर को भेज रहे हैं. तो उसका एडवांटेज क्या है प्रेशराइज करके एयर को भेजने का, हमारा एयर जो है सेम क्या बोलते हैं सेम वॉल्यूम में सेम कंबशन चैम्बर में ज्यादा मास ऑफ एयर हमारी आ जा रही है, डेंसिटी बढ़ जा रही है ना कंप्रेस करने की वजह से. ठीक है, तो हमको सफिशियंट ऑक्सीजन भी मिल रहा है बर्न होने के लिए और डेंसिटी बढ़ने की वजह से. और कंप्रेसर के बाद हम क्या करते हैं नोजल लगा देते हैं यहाँ पे डायग्राम में एक्चुअली नोजल है नहीं. ठीक है, तो एक्सियल कंप्रेसर में हाई प्रेशर से एयर बाहर जा रही है और जाते आते पहले इस कंबशन चैम्बर में जाने से पहले हम नोजल लगाते हैं. नोजल क्या काम करता है, प्रेशर एनर्जी जो है कंप्रेसर को कंप्रेस करने के बाद प्रेशर एनर्जी जो एयर गेन कर लिया तो वो प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे. तो एयर जो है प्रेशराइज्ड एयर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उसका प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी इन द नोजल. और वो हाई काइनेटिक एनर्जी से यानी हाई वेलोसिटी से एयर को हम इंजेक्ट करते हैं कंबशन चैम्बर में. तो हाई वेलोसिटी से इंजेक्ट करने पर टर्बुलेंस क्रिएट होता है कंबशन चैम्बर में और प्रॉपर मिक्सिंग होता है फ्यूल एयर का और हमको बेटर कंबशन एफिशिएंसी मिलती है. ठीक है, तो ये एडवांटेजेस मिलता है हमको सुपर चार्ज करने की वजह से. तो फ्लू गैसेस फ्रॉम द बॉयलर ड्राइव्स द गैस टर्बाइन व्हिच इन टर्न्स ड्राइव्स द रोटरी कंप्रेसर टू सप्लाई हाई प्रेशर एयर टू द फर्नेस. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन द वेलोसिटी एक्सीड्स द सोनिक वेलोसिटी द हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द गैस बिकम्स मच हायर देन दैट अचीव्ड विद सबसोनिक फ्लो. तो ये सोनिक वेलोसिटी इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड से ग्रेट वेलोसिटी ऑफ साउंड के इक्वल अगर वेलोसिटी है फ्लूइड की तो उसको बोलते हैं सोनिक वेलोसिटी. तो ये कहाँ पे अचीव होती है, नोजल में, जो कि हम कंप्रेसर के बाद लगाते हैं, जो कि यहाँ पर दिख नहीं रहा है हमको डायग्राम में पर एक्चुअली रहता है. ठीक है, और एडवांटेजेस क्या है, कंबशन इज कैरीड आउट अंडर प्रेशर इन द कंबशन चैम्बर हेंस मोर मास ऑफ एयर इज सप्लाइड बाय इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ एयर इन द कंप्रेसर थस मोर फ्यूल कैन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सीजन एंड विद द कंप्रेस एयर द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इंक्रीजेस व्हिच इंक्रीजेस द हीट ट्रांसफर रेट थस लेस कंबशन स्पेस इज रिक्वायर्ड इन कंपेरिजन टू द कन्वेंशनल बॉयलर. ठीक है, कंप्रेस्ड एयर है मतलब कम वॉल्यूम में ज्यादा मास ऑफ द एयर आ जाएगी. ठीक है, तो इस वजह से साइज ऑफ कंबशन चैम्बर भी बच जाएगा हमारा फॉर सेम हीट आउटपुट और हमको कंबशन एफिशिएंसी भी क्या बोलते हैं सॉरी लेस कंबशन स्पेस के रिक्वायरमेंट रहेगा, मतलब कंबशन चैम्बर का साइज रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि कम जगह पे ज्यादा एयर आ जा रही है कंप्रेस करने की वजह से. अ पार्ट ऑफ गैस टर्बाइन कैन बी यूज्ड टू ड्राइव अदर ऑक्सिलरीज. ठीक है, गैस टर्बाइन का काम बेसिकली एक्सियल फ्लो कंप्रेसर को ही ऑपरेट करना है, बट हम अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका पावर हम पंप्स वगैरह जो सर्कुलेटिंग पंप को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अदर ऑक्सिलरीज को ही प्रोवाइड कर सकते हैं. और ये क्या है, रैपिड स्टार्ट एंड एफिशिएंट कंबशन. तो स्टार्ट होने में ज्यादा इसको टाइम नहीं लगता है, आसानी से बॉयलर स्टार्ट हो जाता है इसमें. ठीक है, ये इसके एडवांटेज है. लास्ट वन इज बेंसन बॉयलर, बस. ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ क्योंकि फिर तुम्हारा रह जाएगा पीछे. ठीक है, एक लेक्चर पीछे भी चल रहा है वैसा, थोड़ा सा 2 मिनट और दे दो मेरे को. तो ये बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिंपल है. दिस इज बेंसन बॉयलर इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर क्रिटिकल बॉयलर. इट इज आल्सो कॉल्ड एज वंस थ्रू बॉयलर. ठीक है, वंस थ्रू बॉयलर क्यों, एक बार पानी एंटर होता है एक तरफ से, दूसरी तरफ से स्टीम मिलकर डायरेक्ट बाहर मिलता है हमको. ठीक है, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज सुपर क्रिटिकल बॉयलर बिकॉज प्रेशर जो यहाँ पे मिलता है वो हाई प्रेशर मिलता है हमको. ठीक है, सॉरी
हायर देन द सुपर क्रिटिकल, सॉरी हायर देन द क्रिटिकल लिमिट ऑफ द वाटर, क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर से ज्यादा प्रेशर रहता है इसका, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वंस थ्रू बॉयलर एंड सम टाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रम लेस बॉयलर, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी स्टीम सेपरेटिंग ड्रम ऐसा कुछ रहता ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या हो रहता है, पहले हम फीड पंप जो रहता है यहीं पर ही पानी को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, पानी को प्रेशराइज कर देते हैं यहीं पर, जो फीड वाटर पंप पानी जो आ रहा है बाहर से वो फीड पंप में ही हम उसका प्रेशर कहाँ तक बढ़ा देते हैं, क्रिटिकल प्रेशर तक बढ़ा लेते हैं, ठीक है, फीड पंप में वाटर को। अब यहाँ से क्रिटिकल प्रेशर में बढ़ा दिए इसको, अब हो सकता है उसमें क्रिटिकल प्रेशर में तो है, अभी टेम्परेचर उसका उतना नहीं है, ठीक, क्रिटिकल प्रेशर तक तो है, टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो उसका पहले ही प्रेशराइज करके उसको भेजते हैं इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर से थोड़ा बहुत हीट हो जाता है, फिर सेचुरेटेड स्टेट में जैसे फिर रेडिएंट इवेपोरेटर में जाता है वो, रेडिएंट इवेपोरेटर कन्वेक्टिव इवेपोरेटर में जाने के बाद पहले देखो, देखो पानी कहाँ आ रहा है, रेडिएंट इवेपोरेटर फिर कन्वेक्टिव इवेपोरेटर, तो ये दोनों में पास होने के बाद क्या होता है, क्योंकि उसका प्रेशर काफी हाई है, हमने फीड पंप से पहले उसका प्रेशर हाई कर दिया, फिर दोनों इवेपोरेटर से पास होने में क्या होता है, सडनली यहाँ से पानी आता है और जैसे ही रेडिएंट इवेपोरेटर में हीट के कांटेक्ट में आता है सडनली ड्यू टू एट वेरी हाई प्रेशर, कोई मिक्सिंग फेज को जाता नहीं है, पानी हीट लेके इमीडिएटली स्टीम में कन्वर्ट होते जाता है, ठीक है। अब सडनली जितने क्वांटिटी ऑफ वाटर है सडनली तो नहीं होगा ना, हीट जैसे जैसे पानी लेते जा रहे हो वैसा वैसा कन्वर्ट होते जाएगा, तो पाइप से इनिशियली जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पानी कॉन्टेक्ट में आया रेडिएंट इवेपोरेटर के तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, पर वो पाइप के अंदर ही रहेगा स्टीम अभी भी, अब पानी पीछे से आते जा रहा है तो उसको फोर्स करते जाएगा स्टीम को, स्टीम आगे बहते जाएगा कोई पाइप से, ठीक है। और जैसे जैसे नया फ्रेश वाटर का कॉन्टेक्ट में आते जाएगा रेडिएंट इवेपोरेटर के, फिर फर्दर कन्वेक्टिव इवेपोरेटर के, वो अपने वो हीट होते होते अंदर ही अंदर स्टीम में कन्वर्ट होते जाएगा, ठीक है। तो सेम कंटिन्यूस एक पाथ रहेगा यहाँ पे, जैसे जैसे हीट लेते आएंगे वो अंदर ही पाइप में स्टीम कन्वर्ट होगा, फिर अंदर ही वो फ्रेश वाटर आएगा वो भी कन्वर्ट होते जाएगा, इस तरीके की कंटिन्यूस साइकिल रहेगी। तो इकोनोमाइजर से पानी आएगा, हो सकता है फिर स्टीम और पीछे से जो पानी आ रहा है वो स्टीम थोड़ा सा मिक्स हो जाए और थोड़ी सी हीट दे दे, तो यहाँ पर पूरी तरह से वो सुपर वो नहीं होगा, पर यहाँ पर क्या होता है फेज चेंज को ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं लगता, इमीडिएटली जो टेम्परेचर जो हाई प्रेशर में जैसे ही हीट मिली उसको थोड़ी बहुत वो कन्वर्ट हो जाएगा, अब जैसे जैसे फ्रेश चार्ज हो रहा है वैसे वैसे कन्वर्ट होते जा रहा है और आगे बढ़ते जाएगा, पहले रेडिएंट इवेपोरेटर से हीट लेगा, फिर कन्वेक्टिव इवेपोरेटर से लेगा, फिर फाइनली सुपर हीटर से लेगा, और एट द एंड सुपर हीटर के बाद जो हमको स्टीम मिलेगी वो डायरेक्टली हम स्टीम टर्बाइन में भेज देंगे पूरा प्राइम मूवर, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक ही फ्लो में हमको डायरेक्टली यहाँ पे एक तरफ से वाटर फीड हो रहा है दूसरी तरफ से स्टीम मिल रहा है, कहीं पर भी ऐसा सेपरेटिंग ड्रम नहीं है, या अलग कर रहे हैं फिर वापस से सेपरेट करके भेज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, तो उसके लिए बस क्या करना पड़ेगा हमको पहले से ही वाटर को प्रेशराइज करके फीड पंप के अंदर भेजना पड़ेगा। अब यहाँ से जो कुछ पार्ट है सुपर हीटेड स्टीम का वो हम कहाँ भेज रहे हैं, स्टार्टिंग वॉल में, स्टार्टिंग वॉल मतलब जहाँ से पानी की एंट्री स्टार्ट होती है, तो वाटर हॉट वेल में इसको पानी को भेज देते हैं हम सुपर हीटेड स्टीम को, जहाँ पर पानी है जहाँ से हम सप्लाई कर रहे हैं, तो स्टीम को अगर वहां पे भेज देते हैं हम कहाँ पर, तो जहाँ पर हमने पानी को स्टोर करके रखे तो वाटर वेल में, तो बेसिकली वहां पर वाटर थोड़ा सा स्टीम की हीट लेके हीट हो जाता है, कौन वाटर, दैट्स व्हाई इट इज रिटन वाटर फ्रॉम हॉट वेल, ठीक है। हॉट वेल मतलब एक पानी का एक कुआं जैसे एक स्टोरेज है जहाँ पर पानी थोड़ा सा हायर टेम्परेचर में नॉर्मल देन हायर देन एटमोस्फेरिक, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सब जगह वाटर वाटर फ्रॉम हॉट वेल ऐसा लिखा था, देखो उससे पहले भी हमने देखे थे तो वहाँ पे वाटर फ्रॉम हॉट वेल ऐसा लिखा हुआ था डायग्राम में, तो हॉट वेल का मतलब वो था एक्चुअली, देखो ठीक है। स्टीम को हम वहाँ भेज देंगे थोड़ा बहुत उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सुपर हीटेड स्टीम का। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं एक मिनट में, इट इज हाई प्रेशर सुपर क्रिटिकल ड्रम लेस वंस थ्रू फोर सर्कुलेशन बॉयलर, तो फीचर है, इट यूजेस ऑयल एज ए फ्यूल, इसमें फ्यूल के हमको ऑयल यूज करना पड़ता है, हमको ऑयल यूज करना पड़ता है एज अ फ्यूल, ऑपरेटिंग प्रेशर 250 बार, फीड वाटर एंटर्स वन एंड ऑफ द ट्यूब एंड कम्स आउट एट सुपर हीटेड स्टीम फ्रॉम अदर एंड, थर्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वंस थ्रू बॉयलर, इसकी थर्मल एफिशिएंसी काफी हाई रहती है 90%, इसको स्टार्ट होने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं तकरीबन, बाकी नॉर्मल बॉयलर को काफी ज्यादा टाइम लगता है, खासकर फायर ट्यूब बॉयलर को एक एक घंटा भी कभी कभी लग जाता है स्टार्ट होने में कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए। और देन एडवांटेजेस क्या है इसके, फ्लोर स्पेस कम लगता है, वेट 20% लेस हो जाता है क्योंकि ड्रम हटा दिए यहाँ पे, ड्रम की जरूरत ही नहीं है, तो उससे वजह से स्पेस भी बच जाती है, वेट भी कम हो जाता है, इवेपोरेटर की जरूरत नहीं लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली मतलब फेज चेंज तो ऐसा कुछ हो नहीं रहना यहाँ पे डायरेक्टली हीट, तो इसलिए इवेपोरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इट कैन बी स्टार्टेड और स्टॉप वेरी क्विकली, देन इट कैन बी ऑपरेटेड इकोनॉमिकली एंड एक्सप्लोजन हेडर्स, इकोनॉमिकली मीन्स इवेपोरेटर वगैरह ये सब कॉस्ट कम हो गए ना यहाँ पे, फ्यूल कम हो जाएगा, एक एक्सप्लोजन हैज़र्ड्स आर लेस सीवियर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स एंड वेरी लेस स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है।
इसमें बहुत ज्यादा बड़ा अरेंजमेंट रहता नहीं क्योंकि फेस चेंज नहीं है, तो छोटे छोटे ट्यूब्स रहते हैं, तो उनकी वजह से डैमेज भी हुआ तो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं रहता। एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टू फेज मिक्सचर प्रॉब्लम ऑफ कोरोजन एंड इरोजन इज मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो कोरोजन इरोजन का प्रॉब्लम कहाँ होता है, टर्बाइन में जब लिक्विड वगैरह भी थोड़े से क्या बोलते हैं वाटर वेपर पार्टिकल अगर स्टीम के साथ चले जाए तो, पर यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम मिलती है हमको यहाँ पर, और फेस चेंज का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता क्योंकि प्रेशराइज रहता है स्टीम, तो वहाँ पर फेस चेंज होने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहते, तो इस वजह से कोरोजन और इरोजन का प्रॉब्लम भी मिनिमाइज हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हाई प्रेशर बॉयलर।